मेरी छोटी बहन विजयंती खेरिया मेयर दरभंगा, मोहतरम जनाब इजहार अहमद साहब, क्योडी के एमएलए डॉक्टर फराज फातिमी, हमारे दोस्त आवेदी साहब, दूसरे बेटा पुष्कर साहब, मंच पे मौजूद सभी मौजूद हजरात और इस जलसे में मौजूद खवातीन हजरात, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस सेमिनार का मैं आज हिस्सा बन रहा हूँ, जिसमें मुश्ताक अहमद दूरी साहब पर उनके कारनामों पर आज पूरे दिन सेमिनार होगा। इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए अदीब अपनी बात यहाँ रखेंगे। पूरे हिंदुस्तान से आए हुए जितने भी अदीब हैं उनका और ख़ास तौर से मुश्ताक अहमद नूरी साहब का मैं दरभंगा से इनसे मेरा तकरीबन इनके परिवार से इनके खानदान से तकरीबन 30 साल से ताल्लुकात हैं और बिल्कुल एक भाई बहन जैसा इनसे ताल्लुक है। और जब इस दफा ये मेयर हुई शहर की तो पूरे शहर में खुशी थी, लेकिन एक भाई को जितनी खुशी हो सकती है आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो उनका भी मैं अलग से इस्तकबाल करता हूँ, जरा जोरदार ताली से उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो सेमिनार है बहुत टेक्निकल है, इंजीनियरिंग में कहीं भी अदब नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं अदबी आदमी हूं ही नहीं। और उसके बाद फिर सियासतदान, लोग यही समझते हैं कि अदब का गुजर वहां से भी नहीं होता। दरअसल हाई स्कूल तक तो उर्दू पढ़ी और हमारा जो जितनी भी तालीम है हाई स्कूल तक उर्दू ही में हुई, तो जो कुछ पढ़ा समझा वो हाई और तर्जी साहब आपसे भी और सभी लोगों से कि आज अगर उर्दू की खिदमत कोई अगर रियासत कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में तो सबसे नंबर वन पे भी आ रहे, नंबर एक पर। कोशिशें कर्नाटका में भी हो रही हैं, महाराष्ट्र में भी हो रही है, यूपी से ज्यादा। और उर्दू को कहीं जिंदा रखा है तो मदरसों ने। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आज अलीगढ़ के ये मानू के जो कैंपसेस हैं पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, अब जब वहां एडमिशन होता है बीएड के अंदर, एमएड के अंदर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, एमबीए के अंदर, तो उन जगहों को तकरीबन 60% बिहार के लड़के भरते हैं। आपको जानकर खुशी होगी 100 सीट होगी बीएड की, पूरे मुल्क में बीएड की 900 सीटें हैं, मतलब शर्माइए नहीं। और जो इस राह पे निकल पड़े हैं आप उस पर कायम रहिए,
एक जमाने में हमारे दोस्त नजीब अख्तर साहब ये काम करते थे।